हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दृश्यम 2 ट्रेलर के बारे में। जिसको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि एक मलयालम मूवी है जो कि वन ऑफ दी बेस्ट सस्पेंस मूवीज में से एक है हमारे इंडियन सिनेमा की। और इसमें हमें नज़र आते हैं मोहनलाल सर, मीना, हंसीबा हसन और एस्टर अनिल। उसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया जेतू जोसफ ने। अगर आपने दृश्यम मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है, मैं अजय देवगन सर की मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल दृश्यम की बात कर रहा हूँ जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। तो उसमें जो जो इवेंट्स हुए थे उसके एग्जैक्ट 6 साल के बाद की कहानी हमें दृश्यम 2 में देखने को मिलेगी, जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी अब एक थिएटर ओनर हो चुके और ये एक प्रोड्यूसर भी बन गए। तो अब ये एक मूवी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ रानी चाहती कि उनकी बेटी अंजू की शादी जल्द से जल्द वो कर दे। वो नहीं चाहती कि वो पूरे पैसे अपने मूवी में खर्चा कर दे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी थिएटर को ओपन करने के लिए अच्छा खासा लोन लिया होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुरानी इन्वेस्टिगेशन उनकी लाइफ में फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब सबको पता है कि वो इन्वेस्टिगेशन किस केस की थी। तो ऐसे में जॉर्ज कुट्टी अपनी फैमिली को फिर से दोबारा किस तरह से बचाएंगे और उनकी लाइफ में क्या कुछ होगा, बस यही जानने के लिए हमें दृश्यम 2 देखनी पड़ेगी। खैर, ये मूवी फरवरी 19 को इसी मंथ अमेजोन प्राइम पर रिलीज होगी। और यहाँ पर मुझे मेकर्स की तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई, इस मूवी को उन्होंने थिएटर के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया, तो वो डिसीजन ज़्यादा बेटर था। वो इसलिए क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है कि मैक्सिमम ऑडियंस मूवी देखने नहीं जा रही है। हालांकि मास्टर मूवी को अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लेकिन मोहनलाल सर की मूवी को भी मिलेगा उतना ही रिस्पांस, लेकिन वो उसी स्टेट में मिलेगा, मुंबई में या उन जगहों पे जहां पर हिंदी मूवी ज़्यादा दिखी जाती वहां पर नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जो बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, तो उसके बाद मैक्सिमम ऑडियंस साउथ की मूवीज देखने लगी है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऑडियंस है जो साउथ की मूवीज़ डायरेक्ट थिएटर में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म पे देख रही। तो अब ये मूवी जब अमेजन प्राइम पर आएगी, तो मुझे लगता है कि इस मूवी को एक लार्जर ऑडियंस मिलेगी। और जिस तरह से दृश्यम 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो जो चीज़ें हमने ट्रेलर में देखी है, इतना कह सकते हैं कि जो सस्पेंस लेवल है वो बहुत ही गजब का होने वाला है। और इस बार भी ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक ऑडियंस को एंगेज रखेगी और ऑडियंस को ये समझ भी नहीं आएगा कि भाई अब अगले सीन में होगा क्या। जैसे कि दृश्यम 1 में जो सस्पेंस था, वो एंड तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर होगा क्या। वही सारी चीज़ें आपको पार्ट 2 के ट्रेलर में भी फील होती है। उसके अलावा दृश्यम मूवी इतनी ज़्यादा खास, इतनी ज़्यादा ऑडियंस को पसंद क्यों आती है, तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको गुड वर्सेस इविल बस सिर्फ यही चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर एक फैमिली देखने को मिली थी जो आपस में एक दूसरे से एकदम अटैच है। और उस फैमिली की जो हेड है जॉर्ज, वो किसी भी हाल में अपनी फैमिली को सेव करना चाहते हैं। फिर उनकी फैमिली से रिलेटेड जो जो इमोशनल चीज़ें बताई थी ना कहीं हर एक जो इंडियन ऑडियंस है, जिन लोगों ने इस मूवी को देखा था, वो उस फैमिली से इजीली कनेक्टेड हो गई थी, उनकी सिचुएशन से कनेक्टेड हो गई थी। इस वजह से ये इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट सस्पेंस मूवीज़ में से एक है। हालांकि जब ये मूवी रिलीज हुई थी, उस टाइम तक लार्जर ऑडियंस इस पर्टिकुलर मूवी को नहीं देखी थी, लेकिन पब्लिसिटी की वजह से और इसकी हिंदी डब वर्जन के आने की वजह से ये मूवी आज की तारीख में एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। और जैसे कि आपने अमेजन प्राइम पर इसके ट्रेलर के रिलीज होने के बाद देखा होगा, इसको अच्छा खासा व्यू मिल गया। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई 19 फरवरी को तो लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जो लोग फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सोच रहे थे कि यार इसके बाद क्या होगा, या मतलब लोगों ने अपनी अपनी थेरीज लगाना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब मुझे लगता है कि फाइनली उन सारे लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। साथ हमें फिर से एक बार एक ऐसी रोमांचक कहानी देखने को मिलेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये दृश्यम उन मूवीज में से जिसका जो BGM है वही काफ़ी सस्पेंस का माहौल क्रिएट करने के लिए। सिचुएशन तो बात की बात, उसका BGM भी बहुत कड़क था और इस बार भी BGM बहुत ही ऑसम सुनने को मिला ट्रेलर में। और एक फाइनल बात बोलूँगा मैं मोहनलाल सर के लिए, कि जिस तरह से उन्होंने उस पर्टिकुलर मूवी में एक्ट किया था, बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से वो डायलॉग्स बोल रहे थे, नेक्स्ट लेवल था भाई। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देख चुके हो तो मुझे बताओ कि आपको उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी, और आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आप लोग क्या ये मूवी देखोगे, ये सब कुछ मुझे ज़रूर बताना। और एक सवाल जो हर इंसान पूछेगा कि क्या ये मूवी हिंदी में रिलीज़ होगी, तो 100% ये हिंदी में रिलीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ मलयालम में होगी या तो फिर आपको तमिल तेलुगु में देखने को मिल जाएगी, लेकिन चांसेस ये है कि ये हिंदी में तो रिलीज़ नहीं होगी। और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी ऑडियंस डिजर्व, ये सवाल आप खुद से पूछ लेना, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।